हेलो कर बेटा, ये देख लो भाई, ये मामा ना, मम्मी भी सैड हो रही है ना। मियर देखो, अरे देखो दादा, अरे देखो देखो, ओहो काटा कर ले, ओहो पैसे मिल गए हैं। तो के नाराजी है, तो बड़ा समझदार है नाना जी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब मिले थे। नाना जी थोड़े से बीमार रहते हैं बस। ले पानी। अब बीमार रहने लगे क्या? हाँ। और जो उधर वाली मम्मी थी वो तो बिल्कुल ही ज्यादा शर्म कर रही थी, वो नहीं आई। मैंने तो नाना जी को ले लिया सबसे मस्त। तो ये है हमारी दूसरी वाली नानी जी और ये है नाना जी। आज सबसे मिल लो गाइस। ये वाला ना सूट अभी स्टॉक में आ गया, फुल स्टॉक हो गया। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, आप लोग ऑर्डर प्लेस कर लेना। जिस टाइम मैंने पहना था ना उस टाइम इतना प्यारा लगा, आप लोगों ने स्टॉक आउट करवा दिया। काफ़ी टाइम बाद दोबारा से स्टॉक इसका फुल हो गया है। तो जिसने ऑर्डर करना फटाफट से कर लो। बहुत ज़्यादा पसंद आया था आप सबको ये वाला सूट। फिर बाद में मत बोलना नहीं बताया, नहीं तो दोबारा से फिर से स्टॉक आउट हो जाएगा ये वाला। अच्छा, तो ये नानी इसलिए ज्यादा है, नानी बड़ी। तीन नानी है, दो नानी अभी है नहीं, खत्म हो गई, एक नानी अभी बची हुई है। तो जो पहले दिखाई थी खत्म हुई, वो रियल नानी है, है ना? रियल नानी नहीं है हमारे पास अभी, वो खत्म हो गई। मौसी वो ये जो भी फोटो जस्ट अभी देखे आपने, ऐसे है ये। कंफ्यूजन में रहेंगे लोग, समझ में कम आवा, मेरे भी कम समझ में आवा है। हेलो कर बेटा, ये बताओ कैसे दिख रहे हो? मम्मी के चाचा है हमारे नाना। चल बाय। यहाँ पे है हमारे, ये कौन कौन है ना ये बताएंगे। कौन से वाले हैं नाना जी? बीच में थर्ड नंबर वाले, थर्ड नंबर वाले वो है नाना जी, ये वाले उनसे छोटे। ओके, हमारे जो नानी जी है ना ये 95 ईयर ओल्ड हैं और इनको इतना दिखता है। मैं इधर बैठी, देखो ये फोन मेरे नीचे था तो कह रही तेरे नीचे फोन दब गया। हाय नानी, इतना दिखा आपने। और ये अपने टाइम में हीरोइन होती थी बताते हैं, हैं? हाँ। बहुत गोरे चिट्टे, क्रीम वगैरह भी लगाते थे उस टाइम में। हाँ। क्रीम लगाते थे उस टाइम में, क्रीम पाउडर कुछ नहीं होता था ना। नेचुरल ब्यूटी है। तेल लगाओ ना, क्रीम लगाओ ना, किमी को लगाओ, ये दो ना। हाँ। तो ये मेरे तेल को मासूर अगर करे। हाँ। बाय करे यार, थोड़ा सारा बाल दे मेरे के बाल से। ये तो फिर एज के अकॉर्डिंग होता है नानी जी, चले जाते हैं। एज के अकॉर्डिंग होता है ना। हाँ। ये देख लो भाई, नानी मम्मी बहू और ये इधर चार पीढ़ी एक साथ। क्या ले रखा है मुंह? पॉपकॉर्न। सब हमारी चलने की तैयारी है। माता जी को वेट कर रहे थे कि बस वो आ जाए, उनसे और मिलना हो जाए। मामा जी जॉब करते हैं ना कैंटीन में, रिटायर्ड है मतलब वो भी, तो वो आगे जाएंगे हम लोग। ये मामा जी आ रहे हैं, मस्ती चल रही। मामा जी लेने की कोशिश कर रहे हैं, आ नहीं रहा। मामा जी टीका लग गया, नानी मम्मी को बाहर तक ड्रॉप करने आई। मम्मी रोते भी हो गए जाते टाइम अभी भी। वो मामी नानी वो वाली उधर है, वो चाय फील कर ले। मंदिर आज ओ ले ले ले, देख देख देख, मार कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो। तो देखो एक कहते हैं ना कि माइक माइक आयो है। मम्मी भी सैड हो रही है नानी देख के, क्योंकि नानी की भी सिचुएशन ऐसी है और ऊपर से 95 ईयर की हो रही है ना, तो यूं लगा है मम्मी पूरी नू हो रही है बस। पानी क्यों इतना दुखी हो रहे हो? मिल तो आए अब मम्मी के, यूं थी कदे मेरे तो मिले बिना नानी जी चली ना जाए। आज मिल ली तो थोड़ी इमोशनल हो रही है। अब तो बड़ी हंसे थी वहाँ और अब आंसू टपका हुए हैं। तो
फाइनली हम लोग मामा के घर तक आ गए, अपने घर पहुंच गए। गाड़ी बाहर ही खड़ी करी है, शायद मित्रों कहीं जाना होगा, पता नहीं। तो इतनी बढ़िया वाली भूख लग रही है, तो मित्तू के लिए, देवर के लिए, मित्तू के लिए तो बना दूं मैंगो शेक। और देख मन ने अपनी देवरानी के चक्कर में प्यार मोहब्बत में मैंने बनाना पीना पड़ रहा है। चाह के कहती हूँ चाह बनी तो भी केले का ही है। अच्छा अब ले कहती है नानू से मस्सी मंगवाई थी। तो गाइस मैंने तो पी लिया मैंगो शेक, अब ये और मैंगो शेक बना रहे हैं, क्योंकि हमारी जितना हमारा बड़ा घर है ना उसमें मिक्सी छोटी पड़ जाती है यहाँ पे। हाँ तो बार बार बनाना पड़ता है, मैं जाके आ रहा हूँ कई बार, तो बाहर जाना शूट करना सबको दिखाना है। हाँ जी ठीक है, क्योंकि मैं तो सारी चीजें दिखा देती हूँ, ये बाहर जाते हैं ना ये कुछ भी शूट नहीं करते, मैं घर में सारा शूट करती हूँ। आज मामा जी के गए, नानी से मिल के आए, इनकी सिस्टर से मिल के आए, मामा जी, तब बड़ा मजा आया, मतलब ये नणंद तो टाइम पास जब जैसे ऐसे जाता है ना तो वो भी बेचारा थक जाता है। और मैं भी अब जाकर मेरे कमर से दिख रही आते सारा थी, शेक वेक बनाने लग गई, खड़ी रही। और ईव अम्मी तक खिलाऊं थी, ये बिल्कुल नहीं खाता, किस किस के बच्चे नहीं खाते यार, एक घंटा लगा दे है। और मेरी बैठे बैठे ना कमर ऐसी हुई कि बहुत ज़्यादा पेन। और आज जो है ना आज बनेगा दाल चावल, तो शायद मम्मी दाल की तैयारी करने लग रही है। हाय रे ये चाची बेटा खेल लग रहा ले यो ले लिया पर एक तो ताज पे रंग तने ए मुंह इधर इधर मुंह करो लड्डू इधर को देखो सब आपका फेस देखना चाह रहे हैं। उधर देखो लाइट जल रही उधर, अरे देख तो देख तो गिरेगा इधर मुंह ये ले ले। हां यो ले काम की चीज ही देख तू, अगर यो हिल भी ले तो ये तो चाहिए, इसने पसंद है ये तो। हाँ देखा बेटा शॉकेट और लगा दे ना, धुआं ही निकलेगा सीधा, ये तो चाहिए इसको। तो ये मेरी ननद बुलाई है, मैंने साई दी है इस तकल के नाम की, कल हम दोनों जने कुछ करवाएंगे इस तरह। वैसे आप तो समझ जाओगे कि करवाऊंगे बोलूंगी नहीं, दिखाऊंगी कल। अरे चावल छट लग रही है, मम्मी ने शायद दाल चढ़ा दी, आज हमारे घर में दाल चावल बनेंगे। इसका पापा और इसके चाचा जा रहे थे पहाड़ पे, और इसके पापा और चाचा थे केले का आए थे। इतने दिन तो नहीं कह रही थी इसकी दादी, मेरे छोटे मेरे पोते थी बोल ले दो, मेरे पोते थी बोल ले दो, नहीं खिलाएंगे नहीं आपको, लेके नहीं जा रहे यही टॉय, अगर बात नहीं कर रहे चाचा से तो टॉयज नहीं टच करोगे, या बात करो खेल लो देखो। वाओ देखो एमू न्यू टॉय, थैंक यू बोल दो एमू ने खेलने का मतलब। मेरी सासू मम्मी का देसी स्टाइल देख रही जिसने फोन पर बात करनी है। मेरी बुए तो काम गई थी, एक पेपर देने गई थी, दोनों मुआन दो गुलदाना दे रहा कैसे खा लियो, मैं दाल बना रही चावल बना रही सो हरी रोटी बना के दोनों में प्यार से खुआऊंगी ठीक। और भाई बैठ के फोन करूं तो लेट हो जाऊं, तो मैं दो काम साथ कर रही एक सास में सारी बात बोल गई, नहीं बताया हमारी बुराई थी बढ़ाई थी भाई बढ़ाई थी तो बुराई कर रही बुराई अच्छा थी रोटी बन पाऊं थी अच्छा यार से हो मेरो। एक तो पेपर देके आई से, एक सारा दिन माम से रंग जारी थी बैठी रही हैं ठीक भाई। तो देखो मम्मी ने यहाँ इसमें बढ़ा दी दाल, रेडी होगी कल परसों वाली में मजा नहीं आया था, मिर्च की कम था मिर्च ज्यादा था। उधर चावल बना दी मम्मी का प्यार ये स्पेशल सब्जी खाना है, ये पहले मिल गया मम्मी पूरी फेमस है, गरम रायता खाना है, गरम रायता याद करो मम्मी मम्मी घी मत गालिए दूध मत गालिए सब्जी को बड़ो वेलो भर के दिए सब्जी कटौती मत करिए, तो रायता भी गरम रायता बनाएगा मम्मी। जनरेश बुआ है उनके बड़े बेटे हैं ये, छोटे बेटे ने पिछली बार मिलवाया था, और इसको पटाने की कोशिश कर रहे हैं सारे चाचा चाची चाची बेचारी, अपनी आइसक्रीम भी देना आ गई है, यो लेता ना आइसक्रीम दिखा दूं मतलब फैन हो जाएगा हैं ये दिखा दी तो ले ही दिखा दी तो फैन हो जाएगा बालकपन में इतनी नॉलेज
ऑनेस्ट थोड़ी हो है इतना एजरा करता मोबाइल मम्मी खातिर दो बर्फी जरूर ले जाता मोछे ने टेढ़ी बर्फी खवा दी मोटी हो गई मम्मी ने खाता तो या भी हो जाती या आंगनवाड़ी का चावड़ा में रह गई दोनों मामी बेटा क्या अच्छे बना करते है देखो ये तो बन गया आटा अरे यार मेरी देवरानी अरे यार रही मैं तुम दोनों मम्मी रोटी बनाने लग गए तेरा आम दोनों आराम से बैठे थे खाट पे मैं अच्छा होने लग रहा तो मैं हम दोनों बैठो खाट पर हम दोनों बनाऊंगे रोटी इधर मैं फिल जम रही है सारी पापा भी आ गए मित्तू भी मम्मी और सब ये खाऊंगे सारे बैठ कर रोटी आराम से